जब स्क्रैम्बलर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में आता होगा डुकाटी स्क्रैम्बलर, ट्रैम बोनवेल स्क्रैम्बलर या फिर ट्रैम स्क्रैम्बलर 1200। 300 टू 400 सीसी सेगमेंट में आपके पास सिर्फ रॉयल इनफील्ड की हिमालयन स्क्रैम मिलती है, जो बेसिकली एक हिमालयन टोन डाउन टू अ स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ अ थिंग है। बट आज मेरे पास है ये द एचडी स्क्रैम्बलर, और ये एक प्रॉपर पर्पस बिल्ड स्क्रैम्बलर है फ्रॉम एचडी। आपको ना ही कोई ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत है, ना कोई मॉडिफिकेशन की, यू गेट दिस स्ट्रेट आउट ऑफ द फैक्ट्री। मेरा नाम किरण है, आप देख रहे हो द ड्राइवर्स हब, और आज हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली एचडी स्क्रैम्बलर का किस्सा क्या है। लेट्स फाइंड आउट। हम सबको लगा था कि मोहल्ले की बात एचडी एडवेंचर होगी, बट एचडी स्क्रैम्बलर जो है इसने सबका दिल जीत के रखा है। आई मीन व्हाई नॉट, राउंडेड टैंक, रेस्ड फ्रंट फेंडर, स्पोक रिम्स, 19 इंच फ्रंट व्हील, 17 इंच रियर व्हील, अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट, सीट अपराइट हैंडल बार, और ऑल्सो ऑफसेट स्पीडोमीटर। स्क्रैम्बलर बनने की एग्जाम पास। और अब देख सकते हो कि जब डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए, हेडलाइट भी नाइसली टक्ड इन है, पूरा व्हीकल अच्छी तरह से पैक्ड है। और अब ये भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब जगह देख के समझ में आएगा कि दिस इज नॉट एनी अदर बाइक बट अ स्क्रैम्बलर। अगर आप मुझसे पूछोगे तो एचडी का स्क्रैम्बलर जो है उसकी सेगमेंट का एक ट्रूली यूनिक ऑफरिंग है। इसके सेगमेंट में इसके जैसा कोई भी पर्पस बिल्ड स्क्रैम्बलर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द फैक्ट्री नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपको कोई और स्क्रैम्बलर चाहिए भी तो आपको सीधा डुकाटी या ट्रैम की तरफ जाना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको ये कम से कम 3 गुना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इंजन जो है आपको मिलता है 334 cc सिंगल सिलेंडर 6-speed गियरबॉक्स के साथ। इट्स अ फ्यूल इंजेक्टेड इंजन सेम एज ऑल द एचडी मोटरसाइकिल्स। लगभग अंदाजन आपको 30 horsepower मिलता है। कंपेयर टू द एचडी एडवेंचर द मिड रेंज इज बेटर बिकॉज इट्स ऑल्सो 6 kgs लाइटर। तो बिकॉज लाइट वेट है आपको इमीडिएट टॉर्क और पिकअप जो है 3-4000 rpm की रेंज में मिलती है। पर आप देख सकते हो कि इसका जो व्हील बेस है वो एडवेंचर से कम है, सो दैट द फ्लिकेबिलिटी इज ऑल्सो बेटर। और आप वो भी देख सकते हो कि क्लच फील जो है सेम एज एवरीथिंग, वेरी लाइट। गियरबॉक्स स्लाइटली क्लंकी है, पर 3-6000 rpm के हिसाब से इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन जो है वो आपकी डेली उपयोग में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लाता है। स्क्रैम्बलर डेली कम्यूट के लिए बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि इसका सस्पेंशन बम्प्स को काफ़ी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, और साथ में आपको एक शक्तिशाली सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो लगभग 30 kilometers per liter का एवरेज देता है, जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। अगर आप इसको टैंक रेंज के साथ भी मिलाओगे तो 12.5 liters की टैंक कैपेसिटी के साथ आप लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा जा सकते हो, जो अगेन ये सेगमेंट के मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो राइडिंग डायनामिक्स की बात करें तो हैंडल बार अपराइट है, फुट पिक्स थोड़े से पीछे हैं फ्रॉम द फ्रंट सेट पोजीशन, बट अल्टीमेटली जब भी आपको सैडल करना पड़ सकता है, टैंक पैड्स जो हैं फ्रॉम फैक्ट्री गिव डिसेंट ग्रिप। बाइक में आपको आगे टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं और पीछे गैस चार्ज ट्विन शॉकर्स, और साथ में 1403 mm की छोटी व्हील बेस के साथ बाइक को ट्रेल्स में, ऑफ रोड या ऑन रोड इन जनरल जो है आपकी राइडिंग डायनामिक्स जो है बहुत अच्छी है, और आपको जो बाइक से रोड का फीडबैक मिलता है वो बहुत एक्यूरेट है। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस। और जब हैंडलिंग की बात करें तो स्क्रैम्बलर कॉम्पिटिशन से बहुत अच्छा है। लाइक आई सेड, डबल क्रेडल चेसी है, कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस मिलता है, राइडर्स ट्रायंगल कंफर्टेबल है, अपराइट है और एक कमांडिंग पोजीशन में है। तो अगर आप स्क्रैम्बलर पे लंबी सफर करना चाहो तो ये पॉसिबल है। और स्क्रैम्बलर की खासियत ये है कि ये बाइक कहीं पे भी चलेगी, मतलब आप ऑफिस राइड पे भी जाना चाहो, रोड ट्रेल्स में जाना चाहो, एचडी स्क्रैम्बलर जो है ये सब का सामना करेगी और जो राइड है एक क्वाइट एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाएगी। और एचडी स्क्रैम्बलर काफी सारे नए मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि हैंडल बार पर माउंट की गई चार्जिंग सॉकेट। हालांकि ये ऑप्शन एक्स्ट्रा है लेकिन काफ़ी काम की आती हैं। एचडी नए स्क्रैम्बलर के लिए काफ़ी कूल वाली कलर चॉइसेस पेश की गई हैं। सारे कलर्स बहुत सुंदर हैं लेकिन मुझे पर्सनली ये ड्यूल टोन में ग्रीन सबसे प्यारी लगी। वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
वेरी कंफर्टेबल बाइक। जैसे मैंने आपको बोला था सस्पेंशन सेटअप भी बहुत सॉर्टेड है, तो थोड़ा बहुत माइल्ड ऑफ रोडिंग सॉफ्ट रोडिंग गाड़ी हैंडल कर लेती है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू हैंडल इट, क्योंकि जो राइडर कम्फर्ट जो होता है एट द हैंडल बार्स इवन एट द सीट क्वाइट कंट्रोल्ड। सो मेंटेनिंग हाई स्पीड्स एट द हाईवे इज पॉसिबल एंड कंफर्टेबल। तो अगर आपने हमारे USD रोस्टर का वीडियो देखा नहीं होगा तो उसका लिंक किधर होगा? सो अगर आपने वो देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि जो हैंडलिंग डिपार्टमेंट में होती है ये बाइक्स एक्चुअली बहुत आगे है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। सेम इज ट्रू फॉर द स्क्रैम्बलर, जो 17-inch रियर है और 19-inch फ्रंट है, इट हेल्प्स यू स्टे प्लांटेड स्पेशली एट हायर स्पीड्स। एंड जो चैसी जो बना है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इट्स क्वाइट सॉर्टेड। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला था इसका व्हील बेस कम है, बिकॉज ऑफ दैट द मनोबिलिटी एंड द फ्लिकेबिलिटी ऑफ द बाइक इज एक्चुअली क्वाइट बेटर कंपेयर टू इवन द USD रोडस्टर। तो अगर आपको सब कुछ थोड़ा सा ऑफ रोड सॉफ्ट रोड रोड टूरिंग कॉर्नर सब पॉसिबल है, सो ओवरऑल क्वाइट अ वर्सेटाइल बाइक। प्लस 6 kg कम है तो लोड कम है, यू फील दैट वाइल राइडिंग, एंड ऑल्सो यू गेट मोर ऑप्शंस। तो टूरिंग जा रहे हो तो थोड़े ऑल्ट्रेशन येस, बट देन यू कैन गो द डिस्टेंस। तो USD के डीलरशिप्स आर अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री, तो स्पेयर और सर्विसबिलिटी जो है आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड लाइक आई सेड, इट्स क्वाइट अ स्वीट स्पॉट इन द USD लाइनअप। USD रोडस्टर बहुत वर्सेटाइल है, बट दिस हैज़ द ऑफ रोड कैपेबिलिटीज विच गेट्स इट वन स्टेप अहेड। और जो USD एडवेंचर जो है, इट्स मोर पर्पस बिल्ट एंड ऑल्सो हैवियर, तो ये भी ऑफ रोड जाता है, नॉट एज गुड एज दैट बट पॉसिबल। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपकी चॉइस क्या है। तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए कि आपकी चॉइस क्या है, इज इट द USD रोडस्टर, द स्क्रैम्बलर और द एडवेंचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।